ये सोचकर अंदर मत बैठो कि बाहर ठंड है। बाहर जाकर जोश के साथ खेलो, जैसे बच्चों को खेलना चाहिए। पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। चलो सभी जाओ। हम तो जा रहे हैं। हे नोबिता, चलो साथ चलते हैं। वो अभी मैं जल्दी में हूँ। हे नोबिता, रुक जाओ, ठहरो, वापस आ जाओ। नोबिता, वो बहुत तेज दौड़ता है, फिर निकल गया हाथ से। वो चकमा देकर भाग ही जाता है। अच्छा, और मैं उसे अक्सर पकड़ लेता हूँ। चलो चले यहाँ से। ठीक है। बच गया। आज जियान और सुनियो अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतने ठंडे मौसम में मैं उनके साथ नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मेरे लिए ऐसे मौसम में घर बैठकर कॉमिक पढ़ना ही सबसे अच्छा आइडिया है। थैंक यू आंटी। स्वागत है नोबिता, क्या होमवर्क मिला? नहीं मिला। अगर तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला है तो क्यों ना हम दोनों बाहर खेलने चलें? सर्दियों में हमें बाहर खेलना चाहिए। मैं नहीं खेलना चाहता। हुँ? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और तुम कह भी क्या सकते हो। जरा एक मिनट, मैं तो सर्दियों का मजा लेना चाहूँगा। मैं इसे स्लाइड कर पाया, मतलब इस मौसम में कोई तकलीफ नहीं होगी। जरा सुनो डोरेमोन, बताओ ये कौन सा गैजेट है? तुम देखोगे। हाँ, लिफ्ट की पोल। क्या हम इसे आइस पर स्कीइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं नहीं, दरअसल ये ग्रेविटी की डायरेक्शन बदल देता है, समझे? मैं कुछ समझा नहीं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ठीक करता है, पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक फिक्स्ड लाइन होती है, तो ये लाइन उस फिक्स्ड लाइन से पूरी तरह मैच करने की कोशिश करती है। कुछ समझे क्या? तुम कुछ नहीं समझे, है ना? हाँ। मुझे पता था। अगर मैं तुम्हें दूसरे शब्दों में समझाऊं तो तुम इस गैजेट की मदद से बिना लिफ्ट के स्की स्लोप के ऊपर स्कीइंग कर सकते हो, समझे? तुम अब तो समझ गए ना? ओ हाँ। देखो, अब ज्यादा मत सोचो, इसे ट्राई करो। घबराने की जरूरत नहीं है, ये गैजेट बिल्कुल सेफ है नोबिता। जरा इसे पकड़ो तो। ये जहाँ पर सख्त है इसे वहाँ से पकड़ो। इसे झुकाकर बटन दबाओ। तो क्या अब तुम समझ गए नोबिता? हाँ, थोड़ा बहुत समझा। हाँ डोरेमोन, तुम मेरी तरह क्यों नहीं फिसले? मैं बताता हूँ। देखो, लिफ्ट की पोल उस आदमी को झुकाती है जो उस बटन को दबाता है, समझे? और इसीलिए मैंने तुम्हें बटन दबाने को कहा था। ओ अच्छा, ये बात है। तुम अपनी पूरी कोशिश करो। हाँ? हाँ? तुम्हें एक बात बताऊं? ये गैजेट तो सचमुच बहुत लाजवाब है। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। जरा एक मिनट, इसे सिर्फ स्की स्लोप पर इस्तेमाल करना होगा। वो तो चला गया। चलो ठीक है, इससे वो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, आखिर वो बाहर खेलने ही तो जाएगा। इसे स्की स्लोप के अलावा बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करूँगा। हाँ। ये तो बढ़िया है। अगर मैं सभी रास्तों को इसी तरह झुका दूं, तो मुझे जरा भी थकान नहीं होगी। मेरा काम तो सचमुच बहुत आसान हो जाएगा। आज देखना मैं उस नोबिता को कैसे मजा चखाता हूँ। उसे आने तो दो। आज तो वो गया। वो आता ही होगा जियान, वो देखो वो आ रहा है। क्या? आज देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसके पास क्या है? ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों चल रहा है। हे नोबिता, सुनो, मैंने कहा रुक जाओ। क्या बात है जियान, कुछ चाहिए क्या? ये क्या है, इसे तुम्हारा मतलब क्या है? ये तुम बताओ हमें। बड़े बन रहे हो, साइड में खड़े हो जाओ। खुद पर घमंड करने लगे हो। हाँ जियान, मुझे तो लगता है ये केन जरूर डोरेमोन का कोई ना कोई गैजेट होगा। क्या क्या ये सही है? नोबिता, चलो वो मुझे दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। सच्ची? ये ले लो। इस बार तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो। नहीं
जियान, पर इस गैजेट को इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो तो हम क्यों नहीं? जियान ने ठीक कहा, अगर तुम इसे यूज कर सकते हो तो कोई भी इसे यूज कर सकता है। मैंने क्या किया है जियान? सॉरी सुनियो। हे नोबिता, तुम इसे इस्तेमाल कैसे करते हो? प्यार से पूछोगे तो बताऊंगा। क्या कहा तुमने? पहले स्की पोल को ग्राउंड की तरफ दबाओ। क्या इस तरह? हाँ इस तरह। तुम फिर से घमंड दिखा रहे हो नोबिता, समझे? चुप रहो, बोलो। अब तुम्हें धीरे से इसे आगे की तरफ झुकाना है। इस तरह? और थोड़ा सा। ऐसे ही ना? हाँ कुछ इसी तरह करना है जियान। फिर? और फिर? और फिर बटन पर ग्रिप करो। बटन पर? हाँ बिल्कुल। आराम से जियान, बचा के। मैंने पहले ही कहा था कि इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है। तुम हम दोनों से नहीं बच सकते। जियान, नोबिता पहले कभी भी इतनी तेज नहीं भागा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बात मैं भी जानता हूँ सुनियो। पीछे आओ, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। हाँ? रास्ता खत्म हो रहा है। जियान और सुनियो तुम कितने सुस्त हो, तुमसे भागा नहीं जाता, जल्दी करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या हुआ जियान? सुनियो तुम देखकर नहीं दौड़ सकते? अच्छा फिर मिलेंगे, बाय बाय। आज तो जियान और सुनियो को अच्छा सबक सिखाया, मजा आ गया। याहू, बाय बाय। पुल वापस लाना होगा, लेकिन ये तो खड़ी चढ़ाई है। मुझे सीधी खड़ी चढ़ाई पसंद नहीं है। नोबिता, तुम इस तरह क्या कर रहे हो? तुम एक थके बूढ़े आदमी जैसे लग रहे हो। जी। आखिर परेशानी क्या है? एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह सीधे क्यों नहीं चलते हो? ताकत लगाकर चलने की कोशिश करो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें थकना नहीं चाहिए। मेरी तरह तनकर सीधे खड़े हो जाओ। अरे हांफना बंद करो और सीधे खड़े हो जाओ। अब तुम्हारे शरीर में ताकत आई ना, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इस तरह पीछे क्यों भागा जा रहा है। अरे ये एकदम क्या हुआ? पता नहीं क्या था। शुक्र है आखिर रुक गया। अच्छा हुआ कि सड़क पर यहाँ मोड़ आ गया और मैं बच गया। बटन दबाकर सारी चीजें नॉर्मल करनी पड़ेगी, अभी जाता हूँ। अरे ये क्या है, इस जगह तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। चलो मैं इसे हटाती हूँ। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा। मुझे बचाओ। बड़ी देर हो गई, नोबिता अभी तक घर वापस नहीं आया। ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? मैं ये किस मुसीबत में फंस गया, पता नहीं अब क्या होगा। ये बाहर नहीं निकल रहा, दोबारा कोशिश करती हूँ। इसको निकालने के लिए अब मैं क्या करूं? शिजुका! अरे नोबिता ये क्या कर रहे हो, मेरा बैग छोड़ दो।
अरे ये नोबिता को क्या हो गया? कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरी बात सुनो नोबिता, तुम जानते हो ना कि तुम नॉर्मल हो गए हो। वो मैं जानता हूँ, पर मेरी बाहें और पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि अगर मैं जमीन से ऊपर उठूंगा तो गिर जाऊंगा। ये मैं कहाँ बस गया? मैं समझ सकता हूँ, पर इस तरह से तो हम अंधेरा होने से पहले घर बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे। एक आइडिया है, ऐसा करता हूँ मैं एक डाउन हिल स्लोप बना देता हूँ, ठीक है ना? ये देखो। ओह नहीं, मैंने बटन दबा दिया, अब मैं नहीं रुक पा रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं नहीं रुक पा रहा। बड़ा ना समझे, वो अपने आप ही नीचे फिसल गया।